फिल्म पद्मावत को राजनीति की भेंट क्यों चढ़ाया जा रहा है? क्यों पद्मावत पर प्रहार कर राजनेता सियासी रोटियां सेक रहे हैं? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद फिल्म की रिलीज पर संग्राम किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो नेता हर बात में बीजेपी की आलोचना करते थे, वो आज फिल्म पद्मावत को लेकर बीजेपी के विरोधी सुरों में अपने सुर मिला रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ अक्सर हल्ला बोलने वाले हार्दिक पटेल ने भी फिल्म का विरोध किया है। ऐसे पिक्चर बनाए जब आदमी बनाएंगे तो आप उसकी निंदा करते हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत पर संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तक करणी सेना के साथ बीजेपी के नेता फिल्म के सामने दीवार बनकर खड़े थे, लेकिन अब तो हार्दिक पटेल ने भी फिल्म का विरोध शुरू कर दिया। हार्दिक पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को चिट्ठी लिखकर पद्मावत का विरोध जताया है। उन्होंने अपील की है कि गुजरात में किसी भी हालत में फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। हार्दिक ने चिट्ठी में लिखा कि अभी गुजरात में राजपूत समाज और हिंदू समाज की भावनाओं को दुख पहुंचाने वाली फिल्म पद्मावत को लेकर विरोध चल रहा है। फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का मजाक न उड़ाया जाए। महारानी पद्मावती खुद के राज्य और स्त्रियों के सम्मान के लिए सती हुई थी। मेरी विनती है कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पद्मावत को गुजरात में रिलीज ना होने दिया जाए। हार्दिक पटेल ने भी अपनी चिट्ठी में वही बात लिखी है जो बीजेपी नेता पिछले 3 महीने से अलापते आ रहे हैं। बीजेपी ने भी भंसाली पर इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, लेकिन सवाल उठता है कि जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में फिल्म दिखाने की अनुमति दे दी, तो फिर राजनेता क्यों इतिहास से छेड़छाड़ का ढिंढोरा पीट रहे हैं? क्या सियासत के आगे अभिव्यक्ति की आज़ादी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के कोई मायने नहीं? डीवी लाइव की रिपोर्ट।